टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में हुआ घपला। मुंबई पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार। रिपब्लिक समेत 3 टीवी चैनलों ने पैसे देकर बढ़ाई टीआरपी। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के लिए एयरलाइंस कंपनियां बुक टिकट का देगी पूरा रिफंड वापस। डीजीसीए ने 3 अलग अलग श्रेणी बनाई, निर्देश गुरुवार को जारी। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की अंतिम सत्र की परीक्षाएं हुई शुरू, तो पहले ही दिन दिखी तकनीकी गड़बड़ियां। वीवी ने कहा पुनर्परीक्षा लेंगे, सैकड़ों छात्र नहीं दे पाए परीक्षा। बिहार चुनाव 2020, शिवसेना ने कृपाल तुमाने को बनाया अपना स्टार प्रचारक, कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा। विधायक निवास के कोविड सेंटर को कराया गया खाली, शीत सत्र के मद्देनजर बनाया गया ये नियम। कोरोना के मरीजों में लगातार दूसरे महीने भी गिरावट, गुरुवार को 24 घंटे में 786 लोग कोरोना संक्रमित, शहर के 563 ग्रामीण तो 175 जिले के बाहर के मरीज। डीजल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, सभी मध्य प्रदेश में साजापुर के रहने वाले। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने के मामले में भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले सहित अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज, आरोपियों ने कोविड रोकथाम गाइडलाइन का किया था उल्लंघन। गोंडवाना क्लब के अध्यक्ष पर नियमों के विपरीत काम करने के आरोप, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तो वहीं 5 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने आया मामला। अपराध शाखा पुलिस के दस्ते ने ऑक्ट्राय फ्री जोन वर्धमान नगर स्थित एक गोदाम पर मारा छापा, गोदाम से 38 टन चावल और 4 वाहन किए जब्त, तो वहीं 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार।